हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल हम पहाड़ी परिंदे। और आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे है ऑलमोस्ट 12 बज गया है। एक्चुअली आज मॉर्निंग से ऑफिस का बहुत काम था, मैं थोड़ी देर के लिए बस आई थी घर पे, तो जल्दी से आपको लड्डू राधा मुरली के दर्शन करा देती हूँ। और अरायना जी अभी नहा के बैठी हुई हैं और इनको दूध भी देना था। बाकी आपसे फिर दिन में मिलेंगे हम, मतलब दिन में क्या, 2-2:30 बजे के बाद आपसे फिर मिलेंगे एक बार। तो चलिए आप दर्शन कीजिए लड्डू राधा मुरली के, बोले राधे राधे। बाकी आज मुझे सुबह से थकान इसलिए भी लग गई थी, बीच में 1 वीक तो मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए हम लोग गए नहीं। और कल मैं बहुत लेट सोई थी 2:30 बजे के आसपास, और मैं सुबह 6 बजे उठ गई आज, क्योंकि 6:30 बजे हम लोगों को वॉक पे जाना था। बट वहाँ पर आज मैंने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की, बिकॉज वहाँ पे आज काफ़ी रश भी था, और हम लोग जो वहाँ पे एक्सरसाइज के जो टूल्स लगे हुए मशीन वगैरह उस पर हाथ पाथ भी टच कर रहे थे, क्योंकि कोविड का टाइम है, तो इसलिए मैंने फ़ोन नहीं निकाला, लेके तो गई थी। और बस ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ। मॉर्निंग की जो है मास्क वगैरह लगा के हम लोग जाते हैं, और ये चेरी शोर मचा रही है कि उसको बाहर आना है। नहीं, तुमने उसको खाना नहीं दिया। हेलो चेरी, से हेलो बेटा, हेलो बोलो, राधे राधे बोलो। चेरी नहीं जाना पिंजरे में, आप दिन से बाहर हो पता है ना बेटा, सुन रहे हो? ओ बाबरे, कैसे हो के बेटी, क्या सुन रहे हो आप मेरी बात? हाँ जी हाँ जी, तो गाइस गुड इवनिंग। और आज इतना काम था वो कोई बात नहीं, काम होना भी चाहिए। और इतनी ठंड थी जिसकी कोई हद नहीं है, हाथ नाक इतने ठंडे हो गए, फिर होंठ काले पड़ गए ठंड के मारे, राइट। बहुत ठंड थी आज, बहुत ठंड थी, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। धूप आई थी बट हम थोड़ी देर के लिए छत पे गए तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि भाई हम तो रुक ही नहीं पाए छत पे, वापस ही आ गए थे। और अभी कितना बज गया है, 10 बज गया है, और अभी मैं आई थी तो थोड़ी देर, ये चिड़िया आज दिन से बाहर ही है तो इनके साथ खेला थोड़ा, इनको देख रही थी क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। वीडियो नहीं बनाई मैंने ज़्यादा, बिकॉज रोज वही सब हो जाता है इसीलिए। बाकी मैं एक ड्रेस बना रही थी, उस पर लगी हुई थी, क्योंकि मुझे एनी हाउ ये आज कंप्लीट करनी है, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है रेड कलर, और सॉरी ये रेड कलर है नहीं, ये पिंक कलर है ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने नीचे से भी शॉल भी सेम वैसे हो गया ना, और उसके नीचे थोड़ा सा मैंने जो लगाया वो ब्लू कलर है, तो ये ऑलमोस्ट बन गई है। मैं किसी के लिए बना रही थी ऐसे ही, तो एक्चुअल कलर तो नहीं दिख रहा इसका, बट बहुत प्यारी लग रही है ये, बहुत अच्छी लग रही है ये जो ड्रेस है। और यहाँ पे बैठी है चेरी जी, अभी 2 बार इन्होंने वाईफाई का जो ऊपर से वो राउटर होता है 2 बार गिरा दिया है, इतनी शैतानी करते हैं ये लोग। और जो अरायना अपनी एक ड्राइंग बना रही थी, बहुत ही प्यारी बन रही थी, वो थोड़ी सी रह गई थी, बट कल उसकी ना पेन ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उसमें इंक बहुत यूज़ होता है उस ड्राइंग में। मैंने आज उसको लेकर के दे दी है, तो मे होपफुली आज कंप्लीट हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो कल हो जाएगी। जितनी भी होगी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, अभी मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, मुझे उठने का मन नहीं कर रहा, ये ड्रेस थोड़ा और कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, फिर एक ही बार उठूँगी। हमने भी डिनर भी नहीं किया, डिनर का करती हूँ फिर, कुछ क्या करना है। दिन में हमने आज बनाई थी राई की भुर्जी और चावल उसके साथ, बहुत मजा आया था खाने में, लेकिन हम सब खा गए, भुर्जी बची नहीं। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बना लेती हूँ आलू। ओहो ये लूसी ना, चेरी अगर बाहर होती है तो ये आ जाती है और फिर डरती रहती है, वहां से वहां घूमती रहेगी, आज जा भी नहीं रही पता नहीं। परसों मैंने सारा पंखा वगैरह साफ किया, बस क्या ही साफ करो, नेक्स्ट संडे तक ऐसा बना देंगे जैसे महीनों से घर साफ ही नहीं किया हो, है ना भाई। तो दोस्तों ऐसा करते हैं, हम भी कर लेते हैं डिनर वगैरह, सारा कुछ काम कर लेते हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं अरायना की ड्राइंग के साथ। तो दोस्तों अरायना ने कर ली है अपनी ड्राइंग कंप्लीट, और मुझे बोल रही थी कि नहीं हुई, और उसने कंप्लीट कर ली है, बहुत देर से लगी हुई थी, और बहुत प्यारी ड्राइंग बन रही है, आप देखिए और उसको अप्रिसिएट भी कीजिए। देखिए इतना महीन इसने डिज़ाइन बनाया है इसमें, मतलब ना ऐसा लग रहा है ना, नहीं HD लग रहा है बिल्कुल। कितने घंटे लगे होंगे इसको बनाने में? घंटे नहीं, दिन। मतलब आई थिंक 3 दिन लगे, मतलब एक दिन में कितने घंटे लगा? 2 आवर्स यानी कि अप्रोक्स दोस्तों
इस ड्राइंग को बनाने में 6 आवर्स लगे हैं, लेकिन वर्थ है ननी, बहुत प्यारी। इसको हम फ्रेम करके लगाएंगे, करवा दो फ्रेम, बहुत ही प्यारी, मतलब तेरी आज तक की सबसे अच्छी ड्राइंग मंडाला आर्ट लगी। पिछली बार की भी अच्छी थी, बट अगर तू कंपेयर करेगी तो ये ज्यादा अच्छी लग रही है। पिछली बार की है ये भी बहुत प्यारी ननी, ये पूरा नहीं दिखाया था शायद मैंने हमारे गाइस को। तो दोस्तों ये लास्ट टाइम की मंडाला आर्ट है, ये सिंगल है ना इसीलिए, लेकिन ये भी बहुत प्यारी लग रही है। तो इस बार तेरा इरादा है कि कुछ और ट्राई करेगी? नहीं, मतलब ड्राइंग में ही। मैं सोच रही हूँ ना फेस की स्केचेस बनाना सीखते हैं, पोर्ट्रेट जो भी बोलते हैं। मुझे ना फेस में ना नोज नहीं बनता मुझसे, मैं यूट्यूब या गूगल पे सीखूंगी। ठीक है, तू भी सीखेगी, साथ में सीखेंगे ना दोनों? नहीं पहले आप सीखना फिर मैं तो दूसरी सीखूंगी ना। रोटी खाएगी? रोटी खाएगी? मैं सोच रही थी तू बोले ना खानी खाऊंगी ले मुझे भी भूख लग रही, चल बनाती हूँ अभी। ठीक है, तो गाइस अरायना की ड्राइंग भी हो गई है कंप्लीट, और अब हमको लग गई है भूख, तो कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, और उसके बाद सोने से पहले आपसे जरूर मिलेंगे। और आज बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं है, और कोई मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ ऐसा नहीं है जो हमने कुछ किया हो, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, और ठंड भी, तो ये मेरा आज का एक्सक्यूज़ है, और मेरे लिए तो रीज़न है, लेकिन और लोगों के लिए एक्सक्यूज़ हो सकता है। और जो भी है, मतलब जितना भी होता है, हम जो भी करते हैं, और जो मुझे लगता है कि किसी को कुछ सीखने को मिलेगा या कोई एंटरटेन होगा, तो ही मैं उसको रिकॉर्ड करती हूँ। अदरवाइज मैं ऑफिस का काम तो मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं सकती ना, वो एक दूसरी चीज, डिफरेंट चीज़ हो गई है। तो मैं केवल अपनी पर्सनल लाइफ को ही हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, और पर्सनल लाइफ में बस खाना खाया पिया, दिन में भाग भाग के आए, खाना पीना खाया, भागे। तो अभी थोड़ी देर में डिनर करके आपसे मिलते हैं। एक जगह बच गई थी दोस्तों, चेरी सिर पे नहीं कंधे पे बैठने सिखाया था मैंने, तो सिर पे ही चढ़ गई। क्या सुन रही है अब कान नीचे करके? अरे अरे चेरी उड़ गई डर गई। तो गाइस एक बतने वाला है बती है, साढ़े बारह हो रहे हैं, और आज हम बहुत जल्दी सो रहे हैं। ये हमारा बहुत जल्दी होता है, क्योंकि मैं आज से फिर से मॉर्निंग वॉक पे जाना स्टार्ट कर दिया, तो फिर मेरी नींद पूरी नहीं होती है इस वजह से। एक मिनट दोस्तों, तो अब आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में। टिल देन टू लाइक शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदी। अरे ना मुझे ऐसे देख लो, ऐसे देख रही है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे कल मिलेंगे जैसे कि मैंने बता ही दिया है। बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।